डिस्क्लेमर, इस वीडियो को बनाने का मेरा ये इंटेंशन बिल्कुल भी नहीं है कि मैं आपको ये बता सकूं कि यूक्रेन और रशिया में से वॉर में कौन सही है। ये बस एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है जिसमें मैं आपको सिर्फ ये सिखाऊंगा कि स्टारलिंग क्या होता है, स्टारलिंग कैसे काम करता है और स्टारलिंग का वॉर में क्या यूज़ है। हर वीडियो से पहले डिस्क्लेमर देना पड़ रहा है, मेरे को तो इस बात का डर है कहीं मैं मैंगो बॉय ना बन जाऊँ। तो चलो डिस्क्लेमर बहुत हुआ, लेट्स हेड राइट इनटू द वीडियो। नेक्स्ट फ्यू डेकेड्स मस्क एंड स्पेसएक्स दैट होप्स टू ब्रिंग द वर्ल्ड लो लेटेंसी हाई स्पीड 6 माइल्स इनटू स्पेस इन ऑर्बिट अराउंड अर्थ। दिस इज वेयर इलॉन मस्क एंड स्पेसएक्स कम इन। स्टारलिंक को हमें सबसे पहले एक्सप्लेन करना होगा कि स्टारलिंक क्या चीज है। आप अपने चारों ओर सर घुमाइए और देखिए कि आपको इंटरनेट की एक्सेस कैसे मिलती है। इसके सिर्फ दो ही तरीके हैं जो आपको दिख रहे होंगे। पहला तरीका मोबाइल डाटा, जो आप अपने फोन का रिचार्ज कराते हैं और आपको मोबाइल में डाटा मिलता है। ये जो इंटरनेट है ये आपको आपके आसपास के जो टावर्स हैं, जो नेटवर्क के जो कंपनियों ने बना रखे हैं, जियो ने, एयरटेल ने टावर बना रखे हैं, उससे जो वेव्स ट्रांसमिट होती है वो आपको इंटरनेट कैरी करके देती है। और दूसरा तरीका है वाईफाई का, जिसमें आपके घर के अंदर ही एक पोर्टेबल राउटर का सिस्टम लगा होता है, तो वो वेव्स ट्रांसमिट करता है जिसमें आप इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं। बट जो आपके घर पे टीवी का सिस्टम है वो दो तरीके से आता है, एक सेट टॉप बॉक्स और दूसरा डिश टीवी। अब सेट टॉप बॉक्स तो एक राउटर जैसा ही सिस्टम हो गया, इसे हम राउटर से कंपेरेबल कर सकते हैं कि हमने घर पे वाईफाई लगाया वैसे ही हमने घर पे सेट टॉप बॉक्स लगाया। बट जो डिश टीवी वाली टेक्नोलॉजी है कि आपने अपने घर पे एक डिश टीवी लगाया और आपको वायरलेसली सैटेलाइट के थ्रू आपके घर पे टेलीविजन का कनेक्शन आ रहा है, ये टेक्नोलॉजी अगर हम इंटरनेट को दे दें तो एक रेवोल्यूशनरी चेंज हम सोसाइटी में ला सकते हैं, और यही काम स्टारलिंक कर रहा है। तो स्टारलिंक है क्या? स्टारलिंक एक कंपनी है जो स्पेस में सैटेलाइट लॉन्च करती है, जिनका सोल पर्पस यही होता है कि वो अर्थ पे सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट को प्रोवाइड कर सके। That hopes to bring the world low latency, high speed internet. और मैं एक बात तो बताना भूल ही गया कि स्टारलिंक के फाउंडर इलॉन मस्क हैं। स्टारलिंक की शुरुआत 2015 में सिर्फ 62 सैटेलाइट्स के साथ हुई थी और आज इसकी 4408 करेंटली वर्किंग सैटेलाइट्स हैं स्पेस में, और इसका एम है 2029 तक 42,000 सैटेलाइट के मार्क को रीच करना। और इस आइडिया को कॉपी करना किसी भी बिलियनियर के लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि इस पे जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, मतलब इसे जो बनाने का ही कॉस्ट है, वो एस्टिमेट किया गया है $60 बिलियन के करीब। ये मॉर्गन स्टैनली की एक रिपोर्ट आई थी पिछले साल जिसमें उन्होंने बताया कि ऑलमोस्ट $60 बिलियन का खर्चा होगा। अगर अब आप सोच रहे हैं कि $60 बिलियन कितना होता है, तो मैं आपको बता दूं कि मुकेश अंबानी की नेट वर्थ है $75 बिलियन। मतलब मुकेश अंबानी की नेट वर्थ का 80% कॉस्ट तो सिर्फ इसको इम्प्लीमेंट करने में ही लग जाएगा, तो जियो कभी भी इसे कॉपी नहीं कर पाएगा। भले ही इससे बड़े बड़े जो इंटरनेट प्रोवाइडर्स हैं जैसे कि जियो, एयरटेल, उनको नुकसान होगा, बट एक कॉमन यूजर को एडवांटेज ही होगा, क्योंकि इससे एस्टिमेट किया जाता है कि जो इंटरनेट कॉस्ट है आज से 15 साल बाद, वो आज से सिर्फ 10% कॉस्ट पे मिलने लगेगी। जैसे कि आपने देखा था ना, जियो के आने पे एकदम रेवोल्यूशनरी चेंज हो गया था, कॉस्ट 10 गुना कम हो गई थी इंटरनेट की, वैसे ही स्टारलिंक के आने पर इंटरनेट की कॉस्ट दुनिया में 10 गुना कम हो जाएगी। बट इसमें दिक्कत यह है कि इलॉन मस्क की जो कंपनी स्टारलिंक है वो पूरी दुनिया पे एक मोनोपोली क्रिएट कर लेगी इंटरनेट बेचने में। Promising no more buffering and nearly instantaneous internet in every corner of the world. Wall Street Journal, जो अमेरिका का सबसे रेनाउंड मीडिया हाउस है, वो प्रेडिक्ट करता है कि इससे एनुअली इलॉन मस्क $30 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। क्या स्टारलिंक पहली कंपनी है जो सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट बेच रही है? तो इसका जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। पिछले 5 सालों से 2 कंपनियां एग्जिस्ट करती है जिनका नाम है वायरकास्ट और वाईसैट। ये लोग भी सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं एट अ मिनिमल कॉस्ट। शायद आप लोगों ने इन कंपनियों का नाम नहीं सुना हो, बट आप इन्हें अमेरिका का टाटा स्काई भी मान सकते हो। तो चलो मान लिया कि इलॉन मस्क के पास फर्स्ट कम एडवांटेज तो नहीं है, वो सबसे पहले इंसान तो नहीं बन पाए जो ये सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट को बेचते हो, तो क्या दूसरी तरफ वो सबसे फेमस पर्सनालिटी हैं जो ये काम कर रहे हैं? आप मेरे से इस बात पे विवाद कर सकते हैं, बट मेरे ओपिनियन में इसका जवाब नहीं है। और भी कई लोग हैं जो सेम फील्ड में काम कर रहे हैं और वो भी बहुत फेमस है। अगर अब आप कहें कि इलॉन मस्क जितना फेमस और कौन है दूसरा इंसान जो सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट बेचता है, तो मैं आपको बता दूं अमेजोन का भी एक क्यूपर सैटेलाइट प्रोजेक्ट है और चाइनीज गवर्नमेंट का भी एक CNMS नाम का सैटेलाइट प्रोजेक्ट है जो सेम सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट को मोनेटाइज करने के लिए बने हैं। बट एलॉन मस्क के पास दुनिया के किसी भी दूसरे एंटरप्रेन्योर के कंपैरिजन में एक एडेड एडवांटेज ये है कि वो स्पेस एक्स के भी CEO हैं, और स्पेस एक्स एक स्पेस एक्सप्लोरेशन कंपनी है, तो एलॉन मस्क के लिए स्पेस में सैटेलाइट्स को लॉन्च करना कई ज्यादा फीजिबल और ईजी है
बाकी बिलियनियर्स के कंपैरिजन में। यहाँ पे हम गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि नासा या इसरो को कंपेयर नहीं कर रहे क्योंकि उनके पास भी अपने सिस्टम्स है, बट कोई बिलियनियर इलॉन मस्क से इस फील्ड में कम्पीट कर सके ये बहुत ही मुश्किल है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले जो मॉर्गन स्टैनली का डाटा बताया था कि इसका जो एक्विजिशन कॉस्ट है वो $60 बिलियन है एस्टिमेट, बट इसको इलॉन मस्क ने चैलेंज किया और कहा कि उनकी कंपनी स्पेसएक्स इसे सिर्फ $15 से $20 बिलियन के बीच ही इंप्लीमेंट करके दिखा सकती है क्योंकि उनके पास पहले से इसकी सारी टेक्नोलॉजीज हैं, सारे इसका जो नो हाउ है वो उनके पास अवेलेबल है। हमें लगता है कि हर इंडस्ट्री में एक ही गुंडा हो सकता है, वहां का गुंडे हम है। अब हम आ जाते हैं कि यूक्रेन और रशिया की जो वॉर चल रही है उसमें स्टारलिंक का क्या यूज़ है। मैंने वीडियो के स्टार्ट में डिस्क्लेमर डाला है कि मैं आपको किसी भी कंट्री का साइड बिना लिए हुए एक न्यूट्रल ओपिनियन दूंगा, बट उसके लिए भी मेरे को आपको करेंट वॉर सिचुएशंस को समझाना पड़ेगा। तो अभी आप अपनी स्क्रीन पर यूक्रेन का मैप देख सकते हैं, इसमें जो रेड पार्ट है ये वो पार्ट है जिसमें रशिया इन्वेट करके उसे अभी तक अपने अंदर हथिया चुका है और रशिया ने जितने भी रेड पार्ट है मैप में उधर पर बॉम्बिंग करके वहाँ के जितने भी टेलीकॉम टावर्स हैं उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया है। तो वहाँ पे जो भी सिविलियंस अटके हुए हैं उनके पास इंटरनेट का एक्सेस अभी नहीं है। तो यूक्रेन के वाइस प्राइम मिनिस्टर माइकेलो फेडोरोव 26 फरवरी को ट्विटर पर आते हैं और इलॉन मस्क से ओपनली मदद मांगते हैं और कहते हैं कि आप मार्स पे कॉलोनी बिल्ड करते रह जाएंगे उतने में पीठ पीछे रशिया यूक्रेन को कैप्चर कर लेगा, उन्होंने पहले ही हमारे जितने भी टावर्स हैं उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया है और यूक्रेन के सिविलियन के पास आज इंटरनेट का कनेक्शन नहीं है, तो आप हमें स्टारलिंक को प्रोवाइड कर दें। और इलॉन मस्क ठीक उसके अगले दिन ही 27 फरवरी को यूक्रेन में स्टारलिंक की सर्विसेज को एक्टिव कर देते हैं और कहते हैं कि कुछ दिनों में और टर्मिनल्स को वो एक्टिव कर देंगे। तो यहाँ पर हमने देखा कि स्टारलिंक जैसी जो टेक्नोलॉजीज हैं वो कैसे युद्ध की सिचुएशंस में कितनी बेनिफिशियरी साबित हो सकती हैं कि कोई कंट्री किसी दूसरी कंट्री को गूंगा या बहरा बना के नहीं छोड़ सकती, मतलब उसे बाकी वर्ल्ड से कट ऑफ करके नहीं रख सकती। ऐसा नहीं है कि वो कहीं पे भी इंटरनेट के कनेक्शन को बंद कर दे और ये स्टारलिंक का सबसे बेस्ट यूजर केस सिनेरियो है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे सब्सक्राइबर बिल्कुल नहीं बढ़ रहे और मेरे को इंस्टाग्राम पे @mrinal_rangers फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में।